साथियों साथियों, आज हम अपने करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। आज के करंट अफेयर अर्थात 16 मई के करंट अफेयर पर बहुमूल्य लेक्चर्स होगा। जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और ये नहीं कि आपका यूपीएससी एग्जाम आ रहा तो आप ये वाला करंट अफेयर नहीं आएगा। करंट अफेयर हमारा आप जानते हैं, पीछे से लिंक होता है, पूरा एक्सप्लेनेशन होता है, उससे कई चीज़ें ऐसे मालूम होती हैं जो आपके हर एग्जाम में यूजफुल होती हैं। जैसे भी पीसीएस का पेपर ख़त्म हुआ, आप लोग जो करंट अफेयर देखते थे उसका 1/3 नहीं देख रहा है, तो ये दिक्कतें होती हैं, इसीलिए सिलेक्शन नहीं होता। जो हो गया उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ो, जो होगा आप अपनी स्टडी हमेशा जारी रखें। तो आइए आपका टाइम किल ना करते हुए साथियों, आज के करंट अफेयर 16 मई के करंट अफेयर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के द्वारा उसको एक्सप्लोर करते हैं। जो लेटेस्ट करंट अफेयर होता है वही हम देख आते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन आज का है हमारा, किस शहर से दुबई के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू हुई? तो पहली सीधी उड़ान सेवा भुवनेश्वर ओडिशा से दुबई, सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवा, सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ान शुरू हुई है, शुरू की गई कब? 15 मई। हाँ सॉरी, कब शुरू की गई? हाँ, कितना कितना क्या इससे पर किससे किसके द्वारा शुरू की गई है? इंडिगो, इंडिगो द्वारा शुरू की गई है। होने से दुबई क्या पड़ेगा फर्क? 12 घंटे जहाँ लगते थे, 12 आवर्स से टाइम घट के अब कितना हो जाएगा? 4 आवर्स, 4 साल, 4 आवर्स में ये यात्रा की जा सकती है, तो बहुत बड़ी बात है। तो भुवनेश्वर से दुबई पहली उड़ान सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू की गई है। सेकेंड क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में ग्राम विकास योजना वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में, उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन आते हैं। अब यूपीपीएससी में उत्तर प्रदेश का ऑप्शनल की जगह यही हो गया है, यूपीजीएस अप हो गया है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में ग्राम विकास योजना वितरण कार्यक्रम, ग्राम विकास योजना वितरण कार्यक्रम शुरू किया गया। इसमें क्या किया गया? किसके द्वारा शुरू किया गया? खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग द्वारा। इसके आयोग के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार जी ने ये शुरू किया है। इसमें क्या हुआ, हापुड़ की एक तहसील है गढ़मुक्तेश्वर, उसके तहत एक गांव है नानपुर, वहां से शुरू किया गया। हापुड़ की तहसील, अगर और अंदर क्वेश्चन के जाना है तो उसे तहसील है गढ़मुक्तेश्वर के गांव नानपुरा से शुरू किया गया। इसमें ये शुरू किया गया विभिन्न योजनाएं जो है, इसमें जैसे मधुमक्खी पालकों को 300 मधुमक्खी के 30 मधुमक्खी पालकों को 300 मधुमक्खी के डिब्बे बक्से दिए गए और उनकी मधुमक्खी की कॉलोनियां दी गई। 30 मधुमक्खी की पालकों को मधुमक्खी पालकों को 300 मधुमक्खी के डिब्बे 300 मधुमक्खी डिब्बे मतलब बक्से, डिब्बे का मतलब बक्से, और 300 की कॉलोनियां, मधुमक्खी की कॉलोनियां दी गई। और क्या किया गया? और दूसरे समुदाय से 75 कुम्हार सशक्तिकरण के अंतर्गत 100 कुम्हारों को क्या दिया गया? बिजली चलने वाली चाक दी गई।
महासशक्तिकरण योजना के अंतर्गत सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत सौ कुम्हारों को बिजली से चलने वाला चाक दिया, मतलब हाथ से नहीं, उसको घुमाना पड़ेगा, बिजली से चलने वाला चाक प्रदान किया गया और इसके अंतर्गत 75 जूता कारीगरों को, मतलब हाँ चमड़ा कारीगरों को जूता मरम्मत किट प्रदान की गई, किट दी गई। तो इस तरीके से ये क्या शुरू किया, ग्राम विकास योजना वितरण कार्यक्रम का आयोजन हापुड़ जिले में उत्तर प्रदेश के हापुड़ के तहसील गढ़मुक्तेश्वर में के गांव नानपुरा में शुरू किया गया। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने अपना 48वां स्थापना दिवस मनाया है? तो 16 मई 1975 में सिक्किम राज्य, हमारा सिक्किम जो है 22वां राज्य बना था भारत का, ये नोट कर लीजिए। सिक्किम की तहसील क्या है, सॉरी मुख्य राजधानी क्या है, गंगटोक है। विधानसभा सीटें, छोटा राज्य है, विधानसभा सीटें यहाँ 22 है, राज्यसभा सीट 1 है, लोकसभा सीट 1 है, एक सीट है, तो छोटा राज्य है इसका। 22वां स्थापना, तो 22वां राज्य बना था 16 मई 1975 में, तो इसका 48वां स्थापना दिवस मनाया गया, स्थापना दिवस मनाया गया। तो यहाँ एक राष्ट्रीय उद्यान भी है आपका, खांग चेंद जोंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिक्किम राष्ट्रीय उद्यान भी इसको कहा जाता है, ये स्थापित है। इसको धान की घाटी भी कहा जाता है, 6 जिले हैं, इसे क्या कहा जाता है, धान की घाटी भी कहते हैं, धान बहुत उत्पन्न होता है, धान की घाटी कहा जाता है। 6 जिले हैं यहाँ की, और छोटा राज्य 6 जिलों से निर्मित है सिक्किम, तो इसका स्थापना दिवस मनाया गया है। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए हमारे। 4th क्वेश्चन हमारा है साथियों, एकीकृत जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का शुभारंभ कहाँ किया गया? ये तेलंगाना में किया गया, तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में एकीकृत जैविक प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया। 4th क्वेश्चन, हैदराबाद किसकी राजधानी है? तेलंगाना की, और आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, उसकी राजधानी क्या बनी? अब विशाखापट्टनम बनी। तो हैदराबाद तेलंगाना में एकीकृत जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का शुभारंभ हुआ है, और इसमें क्या किया जाएगा, मेन इसमें यह है कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 15 मई को इसका उद्घाटन हुआ है, केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्रालय द्वारा 15 मई को उद्घाटन किया गया, मतलब कल किया गया था। हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय वन स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान में, राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य अनुसंधान में इसका उद्घाटन किया गया। इसमें मेनली क्या होगा, जैव कीटनाशक एवं जैव उर्वरकों का उपयोग,
रासायनिक कीटनाशक की जगह इस्तेमाल करना, जैव कीटनाशक, जैव कीटनाशक तथा जैव उर्वरक। का उपयोग मतलब कि रासायनिक उर्वरकों की जगह इसका उपयोग किया जाना, इसलिए इसकी स्थापना की गई। फिफ्थ क्वेश्चन है, कांस फिल्म फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ था? फ्रांस के, कांस नाम ही कहाँ है? फ्रांस के कांस शहर में यह वार्षिक समारोह होता है, वो वार्षिक समारोह है और बेस्ट थ्री, बिग थ्री समारोह से एक है, बिग थ्री समारोह में से एक है, में से एक है। इसमें क्या क्या आता है? वृत्तचित्र, वृत्तचित्र और नई फिल्मों की समीक्षा की जाती है, नई फिल्मों की समीक्षा होती है, नए फिल्मों की समीक्षा होती है, इसलिए किया जाता है। कौन सा मनाया गया? 76वां मनाया गया, 76वां कांस फेस्टिवल, 76 नंबर का एक कांस फेस्टिवल मनाया गया है। मेनली इसमें क्या होता है कि दुनिया भर के जो वृत्तचित्र हैं और नई फिल्म, नई शैलियों की जो नई फिल्में समीक्षा की जाती है, मैं तो क्या होगा, नई शैलियों की जितनी है समीक्षा की जाती है, नई फिल्म मतलब नई शैली में अडॉप्ट होता है। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2023 कब मनाया गया? तो कब मनाया जाता? 16 मई को ही, आज के दिन ही 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। और ये डेंगू किन किन राज्यों को भारत में ज्यादा प्रभावित करता है? डेंगू से मौतें हो काफी होती हैं, ये ज्यादातर गर्मी में होता है लोगों का, मतलब इसमें क्या होता है, आपका मादा एंटीज जो होती है वो मच्छर होता है, तो उसके काटने से होता है, ये क्या है, वायरल बीमारी है। तो ये डेंगू वायरस बीमारी है, वायरल से फैलता है। चार प्रकार के इसके वायरस होते हैं, 1 से 4 सीरोटाइप, DEN 1, DEN 2, DEN 3, DEN 4 के कारण वायरल बीमारी है। आडोल एजेप्टी मादा मच्छर के, इंडीज एजेप्टी मादा मच्छर के काटने से फैलता है। डेंगू क्या होता है? डेंगू जो है इंडीज एजेप्टी मादा मच्छर से फैलता है, के काटने से फैलता है, वायरस से बीमारी है, वायरल बीमारी है, वायरल बीमारी मतलब वायरस जनित है रोग। इसमें सॉरी दोस्तों, इसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स ज्यादा गिर जाते हैं, एकदम से गिर जाते हैं, आदमी को संभलने मौका नहीं मिलता है, इसलिए खतरनाक बीमारी है, इसलिए मच्छरों से उपाय जरूरी है। और ये मच्छर ज्यादातर क्या होते हैं, साफ पानी में उत्पन्न होते हैं, इसलिए पानी का जमाव कम रखिए। तो कहाँ कहाँ पे होता है? मेनली भारत में हरियाणा, केरल, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु में होता है मुख्य रूप से। मुख्य संक्रमित राज्य इसके क्या है? यूपी भी है, केरल है आपका, तमिलनाडु है, यूपी है, यूके है, उत्तराखंड, उत्तराखंड है, केरल है, तमिलनाडु, राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, राजस्थान है आपका, दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है, ये सब मुख्य हैं, दिल्ली एंड J&K, तो ये मुख्य संक्रमित राज्य हैं भारत के। तो ये बहुत ही इसका ध्यान रखना है। इसमें लोग फिर कहते हैं कि बकरी का दूध पियो, पपीता, पपीता के पत्ते का रस पियो, और पहले से पीते रहे हम लोग, आप मतलब जितनी इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग होगी उतने ही बीमारियां नहीं आएंगी।
बहुत लोग ऐसे घूमते हैं उनके नहीं होता, कोई लोग टहलने जाते हैं उनके हो जाता है। तो ज्यादातर कहते हैं लोग ये पैर के घुटनों के नीचे काटता है, इसलिए फुल पहन के रखिए। अब गर्मी में लोग क्या करते हैं, ज्यादातर हाफ ही पहने, लोअर पहने, बरमुंडा पहने टहल रहे हैं, तो उससे दिक्कत होती है। ऐसा नहीं कि आप फुल ही हमेशा पहने रहिए, कहिए कि हम रात जाड़े में भी पहने गर्मी में पहने तो हम फ्री कब हों। तो नेपाल के किस पूर्व उप प्रधानमंत्री को गिरफ्तार किया गया है? तो नेपाल के एक प्रधानमंत्री थे बहादुर राय मांझी, उनको काठमांडू से गिरफ्तार किया गया, 14 मई गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उनको क्या किया, ये पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे, कम्युनिस्ट पार्टी के फरार नेता रहे, इनको काठमांडू के बुधा नीलकंठा से गिरफ्तार किया गया। राय मांझी को भूटानी शरणार्थियों की आड़ में अमेरिका भेजने के वादे के साथ नेपाली नागरिकों को धोखाधड़ी के केस में गिरफ्तार किया गया है। क्या किया गया, भूटानी शरणार्थी राय मांझी, बहादुर राय मांझी, कहां से गिरफ्तार किया गया, काठमांडू से गिरफ्तार किया गया, काठमांडू से गिरफ्तार। क्या आरोप है इन पे? आरोप है कि भूटानी शरणार्थियों को शरणार्थियों की आड़ में, शरणार्थियों की आड़ में नेपाली नागरिकों को अमेरिका भेजने की धोखाधड़ी, भेजने की धोखाधड़ी का आरोप है, इसलिए इनको गिरफ्तार किया गया। ये पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे हैं यहाँ के, और कम्युनिस्टी नेता रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, कम्युनिस्ट निस्ट पार्टी के नेता नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री। तो देश की अंतर्राष्ट्रीय जो खबरें मेन होती हैं तो वो भी इसमें कवर करनी होती है हम लोगों को। आठवां क्वेश्चन है मेरा, मेरी लाइफ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? मेरी लाइफ पर्यावरण से रिलेटेड मोबाइल ऐप है, मेरी लाइफ किसने, पर्यावरण वन और जलवायु परिवहन मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने लॉन्च किया, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने, पर्यावरण मंत्री इन्होंने लॉन्च किया। कहाँ? नई दिल्ली में लॉन्च किया, नई दिल्ली। क्या है इसकी बेस विशेषता? यह ऐप लाइफ की अवधारणा से प्रेरित है, जिसकी परिकल्पना COP 26 में प्रधानमंत्री ने की थी। COP 26 पीएम की परिकल्पना, लाइफ की अवधारणा, लाइफ की अवधारणा मतलब जलवायु से लेकर हम अपनी लाइफ को, हम अपने आप को जल मतलब कैसे फिट करें इसमें अपने पर्यावरण के अनुकूल। तो ये 20 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री ने केवड़िया गुजरात में मिशन लाइफ की शुरुआत की थी। 20 अक्टूबर 2022 को केवड़िया गुजरात से पीएम ने मिशन लाइफ की शुरुआत की थी, शुरुआत की थी, उसी के अंतर्गत ये लॉन्च किया गया है मेरी लाइफ। भूपेंद्र यादव जो हमारे हैं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन, यह प्रथम ASI गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो ये है कौन, खगोलविद थे हमारे गोविंद स्वरूप जी, क्या थे, बहुत फेमस खगोलविद थे, उनके उसमें ये दिया जाता है, उनके याद में दिया जाता है, उनके योगदान के स्वरूप इन्हें दिया जाता है। जयंती
जयंत भी नान लेखक को ये पुरस्कार मिला है, एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया है। एएसआई एस्ट्रोनॉमिकल नामिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, हमने कहा लिख देने आप आज के लोग सर्वे समझ लेंगे, ऑफ इंडिया वो पुरातत्व विभाग है, ये एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया पुरस्कार किसको दिया गया है, जयंत वी नार्लिकर, जयंत वी नार्लिकर प्रमुख खगोल विद है, फेमस खगोल विद है, प्रसिद्ध है, तो इनको दिया गया है। होता क्या है, ये जो है एक प्रोफेसर दीपंकर बनर्जी थे उनके उसमें दिया जाता है, और ये खगोलविदों को ऐसे जिनको बहुमूल्य योगदान होता है वो 2022 से शुरू किया गया है। तो गोविंद स्वरूप को क्या माना जाता है, इसको किसने दिया है, सॉरी इसको एएसआई के अध्यक्ष हैं, कौन अध्यक्ष हैं, प्रोफेसर दीपंकर बनर्जी द्वारा दिया गया, एएसआई के अध्यक्ष प्रोफेसर दीपांकर बनर्जी द्वारा दिया गया, द्वारा दिया गया। जो गोविंद स्वरूप जो थे, गोविंद स्वरूप जी जो थे हमारे भारतीय रेडियो खगोलविद थे, का संस्थापक माना जाता है, भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान का संस्थापक माना जाता, तो उनकी याद में दिया जाता है, उनकी याद में दिया जाता है। तो 2022 से ही शुरू हुआ। लास्ट क्वेश्चन हमारा 10th क्वेश्चन है कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो ये बेल्जियम में आयोजित की गई, ब्रुसेल्स यूरोपीय देश, ब्रुसेल्स बेल्जियम यहीं पर स्थापना हुई थी, मुख्यालय इसका ईयू का ब्रुसेल्स बेल्जियम में किया गया है। इसकी अभी 16 मई को आज ही के दिन सह अध्यक्षता पीयूष गोयल कर रहे हैं, भारत के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा सहअध्यक्षता की जा रही है, पीयूष गोयल इसकी सह अध्यक्षता कर रहे हैं। तो साथियों ये रहे हमारे आज के बहुत ही इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन, आशा है आपको समझ में आया होगा। ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, डेली की खबरें चाहे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों खबरों को हम एक्सप्लोर करते हैं, उसके जो जितना रिलायबल होता है क्वेश्चन के मेरिट के अनुसार जो होता है उतना हम फैक्ट्स आपको बताते हैं, जो उससे ज़्यादा उस क्वेश्चन में कुछ नहीं आएगा करंट अफेयर में। तो आप सब नोट डाउन करते रहिए, अगर आप पीसीएस दिए हैं हमारा करंट अफेयर पढ़ के तो आपको अवश्य एहसास होगा कितना इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप लगे रहिए अपने मंजिल को पाइए, अच्छा लगे मेरा करंट अफेयर तो प्लीज़ शेयर उसको अवश्य करिए, और सब लोग देखें, सब लोग पीसीएस का पेपर दे के बैठ गए हैं, जो व्यूज आते थे उसके आधे से आधे रह गए, ऐसा मत करिए, शेयर करिए। आप लोगों के लिए चैनल आपके लिए मेहनत की जाती है कि आपको रिलेटिवली मिल सके अच्छा क्वालिटेटिव फैक्ट्स मिल सके, मटेरियल मिल सके, उसमें हम हमेशा आपके लिए प्रयासरत हैं सदैव। आप बस पढ़ते रहिए, अच्छा लगे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए जिससे समय से आपको वीडियो मिल जाए, और अपना आप कीमती समय दे करके अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। साथियों जय हिंद साथियों।